हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, फैमिली के साथ हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर के। जैसे कि आपको टाइटल दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो भी ल्यूसेंट्स है। खुशी की बात तो ये है कि ये ल्यूसेंट के हैं। तो ल्यूसेंट की हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं गाइज। ये पहले फिजिक्स कवर करेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी और भी जो एमसीक्यूज दे रखे हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन का कोई भी पैसा नहीं जाता। ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ल्यूसेंट के अंदर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको उसके आगे दिख जाएगा कि ये किस कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये एनडीए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस तरह से आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कहां पर पूछे गए हैं। तो ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज और बता दूं आपको, ये पूरी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आए थे मेरे पास कि ल्यूसेंट के एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दीजिएगा। तो एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर फिजिक्स के 300 क्वेश्चन होने वाले हैं और एक वीडियो के अंदर हम 10 क्वेश्चनों का बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर टोटल जो बनने वाले हैं वो 30 लेक्चर बनने वाले हैं, मतलब 30 पार्ट जो बनेंगे सिर्फ फिजिक्स के बनेंगे। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर 400 क्वेश्चन है तो वहां पर 40 पार्ट्स बन जाएंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कराया जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है पहले क्वेश्चन के अंदर द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको स्टेट ऑफ मैटर बता देते हैं। एक्चुअल में हम लोग जो पढ़ के आते हुए हैं वो ये पढ़ के आते हैं कि लिक्विड भी होता है मैटर, गैसेस फॉर्म में पाया जाता है और सॉलिड फॉर्म में पाया जाता। एक्चुअल में हम दो स्टेटों को भूल जाते हैं, एक होती है प्लाज्मा स्टेट और एक होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। इन स्टेट के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती है। लिक्विड, गैस और सॉलिड, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन किया जाता। तो देखिए तीन स्टेट तो होती हैं, लेकिन हमसे पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर कि लेटेस्ट डिस्कवर कौन सा हुआ है, जो लास्ट में डिस्कवर की गई है वो किसकी की गई है। तो वो हुआ है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेड स्टेट। ठीक है, इस स्टेट के बारे में डिस्कवरी की गई है। अगर आप चाहते हैं कि ये स्टेट किस तरह की दिखती है तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा किसी अगले लेक्चर में। ठीक है, आप लोग कमेंट में बता दें, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था कि लेटेस्ट डिस्कवर जो हुआ है कौन सा स्टेट हुआ है, तो वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेड स्टेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट क्या है। तो देखिए वर्क का यूनिट निकालने के लिए, ये वर्क का यूनिट नहीं, मैं बहुत सारी चीजों का यूनिट बताऊंगा। एक्चुअल में किसी भी चीज की किसी भी क्वांटिटी, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास ये फोर्स है, चलो फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स की मल्टीप्लाई अगर डिस्टेंस से कर दोगे आप, फोर्स की मल्टीप्लाई डिस्टेंस से कर दोगे तो ये एनर्जी का यूनिट देता है। किसका यूनिट देता है? एनर्जी का। जिंदगी भर याद रखिएगा कि अगर फोर्स की मल्टीप्लाई डिस्टेंस से हो गई तो ये हमेशा एनर्जी का यूनिट देगा। एक बार फिर से शाबाश मेरा बच्चा, फोर्स की यूनिट किससे मल्टीप्लाई करनी है? फोर्स की मल्टीप्लाई करनी है डिस्टेंस से, तो एनर्जी का यूनिट डिराइव हो जाता। तो इसका मतलब एनर्जी का यूनिट जो होगा वो न्यूटन मीटर भी होगा, और साथ में न्यूटन मीटर को आप जूल भी कहते हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा जूल। देखिए मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन पढ़ा और आंसर बता दिया, थोड़ा इसका लॉजिकली रीजन बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता। ठीक है, तो ये जूल जो है ये साइंटिस्ट के नाम पर एनर्जी का यूनिट पड़ा। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को आप जूल भी कहते हो। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं, इसके अलावा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने। हमसे कह रहा अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट। ठीक है, एक बोट है, देखिए बोट बना लीजिएगा, बोट है उस पर एक आदमी खड़ा हुआ है, स्टैंड क्या हुआ है? अब ये बाहुबली की तरह बना दिया डायग्राम। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल का मतलब होता है रुके हुए पानी के अंदर। इफ ही वॉक इन द बोट टूवर्ड्स द शोर, शोर बोलते हैं किनारे को, सतह को। मान लेते हैं यहां पर नदी खत्म हो रही है, तो ये जो साइड वाली जगह है सूखी हुई, इसको बोलते हैं शोर। तो यहां पर जाने की कोशिश कर रहा है, इस पर चलता हुआ, बोट पर चलता हुआ जाएगा, ध्यान रखना बोट पर चलता हुआ जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि बोट कहां पर जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये बंदा जब इधर को मूव करेगा तो इसके पैर के थ्रू जो रिएक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ को लग रहा होगा, जिसकी वजह से बोट पीछे को चली जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब ये बंदा आगे को मूव करेगा तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन,
न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये बोट पीछे को जाएगी, क्योंकि अपने पैरों से पीछे को धक्का देगा तभी तो आगे को जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर इसको मैं दूसरे डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा तो देखो डायग्राम ये रहा, ये बंदा कितने बेरहमी से इस बोर्ड को खींच रहा है इस रस्सी के थ्रू। तो इस बंदे ने देखो, अब इसको भी समझ सकते हैं, जब ये रस्सी के थ्रू खींच रहा है तो ये बोर्ड कहां को जाएगी, मूव करेगी आगे को। बट अगर मैं रस्सी को हटा देता हूं या फिर ये नेट जो भी इसके पास है इसको हटा देते हैं और ये खुद इस पर चलता हुआ आगे को आएगा, तो इसके पैर तो पीछे को इसको पुश करेंगे तभी तो खुद आगे को बढ़ेगा। जब पैर इसको पीछे को पुश करेंगे तो बोट कहां जाएगी, पीछे की तरफ को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुरंत बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मूव अवे फ्रॉम द शोर, क्या वो किनारे से शोर से दूर जाएगी। बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन है ठीक है, आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, पहला ऑप्शन है ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है लाइट ईयर, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है, आपको बताया ना लाइट ईयर किसका यूनिट है। तो पहले लाइट ईयर की डेफिनेशन पता कर लेते हैं, उसके बाद इसकी यूनिट पर जाएंगे। यूनिट आप लोग ऑटोमेटिक बता देंगे अगर आपको लाइट ईयर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो। देखिएगा एक्चुअल में क्या होता है, जो लाइट मूव करती है फ्री स्पेस या फिर एयर के अंदर, वो 3×10^8 मीटर पर सेकेंड से मूव करती है। कहां करती है, या तो वैक्यूम के अंदर या फिर आप एयर की बात कर लो, तो 3×10^8 मीटर पर सेकेंड से मूव करती है। अब ये लाइट एक सेकेंड में इतने मीटर जाती है, एक सेकेंड में इतने मीटर जाती है। अब क्या है, एक सेकेंड को हटा करके अगर मैं ये कहूं कि एक साल तक लाइट मूव कर रही है, अब बताइएगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको बोलेंगे लाइट ईयर, उस डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप, लाइट ईयर। तो एक्चुअल में लाइट ईयर ये वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल तक वैक्यूम में मूव कर रही है, वैक्यूम में मूव करने की वजह से उसने उतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो वो कहलाएगी लाइट ईयर डिस्टेंस। समझ में आ गई, आपको समझ में आ गई होगी यार, इतना इजी है। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है भाई, ये है डिस्टेंस का, तो लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, ध्यान रहे डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता। इसके बाद भाई ये भी देख लीजिएगा कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, मजा आ रहा होगा यार, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें कह रहा है द स्टेट इन विच मोलिक्यूलर अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओहो भाई देखिए, हमसे कह रहा है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके अंदर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, मतलब मोलिक्यूल मोलिक्यूल्स पर बहुत ज्यादा कोहेसिव फोर्स लगाते हैं, तो वो कौन सी स्टेट है। तो भाई वो है सोलिड स्टेट। आपको बता दूं सोलिड स्टेट क्यों है, देखिए सोलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा करीब होते हैं और एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर अरेंज रहते हैं। बट अगर मैं लिक्विड की बात करूंगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसिंग आनी शुरू हो जाती है, थोड़े ज्यादा स्पेस से रहते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कम हुई है, इसलिए तो डिस्प्लेसमेंट आ गया दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ, लेकिन यहां पर जो है अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए तो ये एक दूसरे के पास पास है। अगर वहीं गैसेस या वेपर स्टेट की बात करोगे तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम लग रही होगी, इसलिए ये दूर दूर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड में और सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर अरेंज रहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आरआरबी जेई ने पूछा था 2015 के अंदर ये क्वेश्चन। अगला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द प्रेजेंट ऑफ द परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज है ये, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द परसेंटेज ऑफ, किसका परसेंटेज होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। पहले तो ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं, उसके बाद में जाएंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, एक्चुअल में आप कहते हो नहीं कि जनरली ये कहा जाता है कि जब हवा के अंदर नमी ज्यादा होती है, हवा के अंदर पानी का अमाउंट ज्यादा होता है, तो आप कहते हो कि यार हवा के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई। तो एक्चुअल में ह्यूमिडिटी तो यही हो गई कि अमाउंट ऑफ वाटर जो एयर के अंदर प्रेजेंट है उसको ह्यूमिडिटी कहा गया। अब यहां पर वर्ड आया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव का मतलब क्या होता, एक्चुअल में जब हम रिलेट करते हैं किसी चीज से, रिलेटिव वर्ड बोलते हैं, तो रिलेटिव का मतलब होता है कि हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर आपको कहां दिखाई देगा, कौन से ऑप्शन में आपको यहां पर कंपेरिजन दिखाई दे रहा है उसको देखिएगा। पहला ऑप्शन है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वैल्यू टू द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी एक्चुअली प्रेजेंट, ये अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। दूसरे में है इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी अपॉन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये भी नहीं। सी ऑप्शन देखते हैं अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी एक्चुअली प्रेजेंट,
ये देखिएगा, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी एक्चुअली प्रेजेंट टू द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। देखो भाई एक्चुअल में कितनी ह्यूमिडिटी एयर के अंदर प्रेजेंट है वो, और साथ में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है, इन दोनों का एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और जो अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी ये जो प्रेजेंट है ये कहलाएगा आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी। समझ रहे हो आप, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ, एक्चुअल में ये डेफिनेशन है यार रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, जिसका डेफिनेशन ये होती है अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी एक्चुअली प्रेजेंट टू द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये इसका सी ऑप्शन, ये इसकी डेफिनेशन ही है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, ठीक है, ह्यूमिडिटी आप समझने की कोशिश करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें हमसे कह रखा है, इसको काट देते हैं, जिसमें हमसे कह रखा है कि वन डी ग्राफ जनरेटर किस लिए यूज किया जाता है, तो वन डी ग्राफ जनरेटर का यूज पूछ रहा है। तो आपने 12th की फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि वन डी ग्राफ जनरेटर हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, तो किस तरह से ये हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज जनरेट करता है, इसकी डिटेल जानने के लिए हम इसके डायग्राम पर जाएंगे। तो देखिएगा यहां पर इसका डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, अब इस डायग्राम पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर बेल्ट होती है, ये बेल्ट है, और यहां पर एक मेटेलिक बॉल है, ये पूरी एक स्फेरिकल बॉल है, यहां पर एक वायर के थ्रू हमने कनेक्ट कर रखी एक छोटी सी बॉल, ये भी मेटेलिक बॉल है और ये एक बड़ी मेटेलिक बॉल है। तो इसमें करना क्या होता है, इस पर्टिकुलर बेल्ट के थ्रू हम पॉजिटिव चार्ज को इस बॉल पर एक्यूमुलेट कराते हैं, जब एक्सीलरेशन के थ्रू हम यहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं तो ज्यादा निगेटिव चार्ज यहां पर क्रिएट हो जाता है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा निगेटिव चार्ज की वजह से इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मतलब हाई वोल्टेज जनरेट हो जाती है। अब ये प्रोसेस ना साइमल्टेनियसली बार बार होता रहता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी का हमें वोल्टेज मिल जाता है वन डी ग्राफ जनरेटर के थ्रू। तो यही हमसे पूछा गया था कि वन डी ग्राफ जनरेटर किस लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज जनरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी डिस्कवरी की थी वान डी ग्राफ ने, इनका साइंटिस्ट का नाम ही है ये वान डी ग्राफ, 1929 में, एक्चुअल में सॉरी 29 बोला मैंने, अब 1929 में इसकी डिस्कवरी हो गई थी, और ये साइक्लोट्रॉन से पहले डिस्कवरी हुई थी, साइक्लोट्रॉन ये भी 12th में आपने पढ़ रखा होगा, ये भी चार्ज पार्टिकलों को एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है साइक्लोट्रॉन, बट यहां पर वान डी ग्राफ में हम चार्ज पार्टिकलों को एक्सेलरेट नहीं कराते, हम चार्ज पार्टिकलों को, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं उन सबको एक बॉल पर एक्यूमुलेट कराते हैं, इकट्ठा कराते हैं, ताकि दो पॉइंट के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस या फिर दोनों बॉलों के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हमसे कह रहा है ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग द करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो जब शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट आपने सुन रखा होगा कि आग लग जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वहां पर दो वायर आपस में चिपक गए, जॉइंट हो गए, तो फॉल्ट हो जाते हैं वहां पर, तो ये शॉर्ट सर्किटिंग के एग्जांपल्स हैं। अब जब शॉर्ट सर्किट होता है तब उस वक्त अचानक में होता क्या है, अचानक से उस पर्टिकुलर टाइम पर होता क्या है, तो बहुत तेजी से करंट की वैल्यू घट जाती है। जब शॉर्ट सर्किट होते हैं तो करंट की वैल्यू बहुत तेजी से घट जाती है और घटकर शून्य हो जाती है। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा करंट के साथ जब शॉर्ट सर्किटिंग हो रही होगी। पहला ऑप्शन, करंट जो है वो रिड्यूसेस हो जाएगी सब्सटेंशियली, तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है यही वाला कि करंट बहुत तेजी से, सब्सटेंशियली का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में कम हो जाना, तो करंट बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा अमाउंट में कम हो जाएगी, ठीक है, तो इसका यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अगले ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपसे कह रहा है द करंट आई वोल्टेज वी, है ना, तो करंट वर्सेस वोल्टेज के बीच में एक ग्राफ प्लॉट हुआ हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि बताओ ये किस तरह की डिवाइस के लिए यूज होता है ग्राफ, या फिर ये बताओ कि ये ग्राफ क्या ओम्स लॉ को फॉलो करता है या ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। एक्चुअल में जब वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बिल्कुल बीच में से और एक स्ट्रेट लाइन जाए तो ये ग्राफ जो है ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो, थोड़ा टेढ़ा या कुछ इस तरह से बेंट हो जाए, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इनको बोलते हैं, ऐसे ग्राफ्स को बोलते हैं जिन कंडक्टर के लिए ऐसे ग्राफ इस्तेमाल होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर,
और ऐसे ग्राफ जिन कंडक्टर के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। आप ध्यान रखना इस चीज का, हमसे कह रहा है कि ये ग्राफ किसके लिए इस्तेमाल होगा, तो ऑप्शन इसका बी ठीक है, अ कंडक्टर विच ऑलवेज ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। और ओम्स लॉ क्या होता है, थोड़ा ओम्स लॉ के लिए बारे में भी जान लेते हैं। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास एक वायर है और इस वायर की फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना किया जाए, फिजिकल स्टेट का मतलब होता है ना तो इसका लेंथ बढ़ाया जाए, ना इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, ना इसका मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया जाए, मटेरियल भी चेंज नहीं किया जाए, कुछ चेंज नहीं होगा, जैसी है वैसी ही रहेगी, पहली शर्त तो ये है ओम्स लॉ के लिए। तो ओम्स लॉ ने ये कहा, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ वायर और अ कंडक्टर डज नॉट चेंज, फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं कर रहे, देन द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब करंट जो है वो डिपेंड कर रही है वोल्टेज पर, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतनी ही ज्यादा करंट इसके अंदर फ्लो करेगी। तो वी प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इक्वल टू आई आर, जहां पर आर जो है वो इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता। तो ये ओम्स लॉ था। अब देखिएगा V प्रोपोर्शनल टू I, तो यहां V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, जब प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या प्रोपोर्शनैलिटी वाला ग्राफ नहीं है, बिल्कुल है, इसका मतलब ये ग्राफ जो है ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो यही तो हम आपसे कह रहे थे कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, आप लोग हमारी बात ही कब सुनते हो, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है भाई। और भैया सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, 10 क्वेश्चन, नहीं 10 से एक क्वेश्चन भी फालतू डिस्कस नहीं किया जाएगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन यहां पर डिस्कस किए जाएंगे, वो भी जबरदस्त तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कुछ चलते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहली बात तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा बहुत बच्चों को, तो क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर अर्थ के चारों तरफ, यहां बनाकर दिखा देते हैं, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ आपने एक सैटेलाइट को माउंट कर दिया, ठीक है, ये सैटेलाइट बनाकर दिखा देते हैं हम, ये सैटेलाइट, वाओ फीलिंग आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो सवाल ये है कि ये सैटेलाइट अर्थ के नीचे को क्यों नहीं आ जाता, अर्थ इसको खींच क्यों नहीं लेती। तो इसका जवाब ये है, जो अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स रहेगा इस पर्टिकुलर सैटेलाइट पर, वो अट्रैक्शन फोर्स इसको एक टेंजेंशियल, जिसको आप कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे देता है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स इसके पास होगा इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के पास, तो इसके पास एक एक्सीलरेशन भी आ जाएगा। तो ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हुआ, अट्रैक्शन फोर्स ना होता तो इसके पास एक्सीलरेशन भी नहीं आता, ये एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर होता है, इसलिए अगर अर्थ इसको खींचना भी चाहती है तो ये एक्सीलरेशन इस सैटेलाइट को जब तक आगे बढ़ा देता है। अब यहां आके अर्थ फिर से खींचने की कोशिश करती है, तो ये चूंकि ये टेंजेंशियली आगे को मूव, इस तरह से मूव करने की कोशिश करता है सैटेलाइट, बट अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इसका पाथ सर्कुलर हो जाता है। देखिए हर पॉइंट पे तो भागने की कोशिश कर रहा है सैटेलाइट, लेकिन अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स ही है जो इसको सेंटर की तरफ को खींचता है, जिसकी वजह से इसका पाथ कहीं बाहर को ना हो करके सर्क्यूलर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो उसको गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है भाई। हमारा क्वेश्चन कहां था, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन हमारा ऊपर था जिसमें हमसे कह रहा है कि भाई क्यों नहीं गिरता, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन देखते हैं, देखिएगा, दिस इज बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सीलरेशन फॉर इट्स मोशन। देखो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो उस पर्टिकुलर सैटेलाइट को एक एक्सीलरेशन प्रोवाइड करा देता है। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ईमानदारी से क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन का कोई भी पैसा नहीं लूंगा आपसे, डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरों तक बताइएगा, दोस्तों को भी बताइएगा कि फिजिक्स पर ल्यूसेंट, फिजिक्स प्रिपरेशन अड्डा पर ल्यूसेंट के एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी जल्दी ज्वाइन करवा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।